दिल्ली में महिलाओं का सफर सुरक्षित और आसान हो उसके लिए दिल्ली सरकार ने कई तरीके की योजनाएं निकाली हैं। वहीं दिल्ली की बसों में पिंक टिकट की सुविधाओं से महिला कितना खुश है, बात करने के लिए हम लोग दिल्ली की बसों में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। मैम, पिंक टिकट पे आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं, कितनी सहूलियत रहती है? बहुत ज़्यादा सहूलियत है, बिकॉज वी आर वर्किंग लेडीज, सो हमारा काफ़ी सारा एक्सपेंस बचता है ट्रैवलिंग में, सो इट्स वेरी सेफ। लगता है दिल्ली सरकार ने जो योजनाएं निकाली अच्छी लगा ली? हाँ जी। जो पैसा बचता है वो कितना यूटिलाइज होता है, आप लोगों को कितना फायदेमंद रहता है? मैम, मेरा स्टॉप आ गया। आपका क्या नाम है? अनिशा। आप भी पिंक टिकट पे ट्रैवल कर रहे हैं? यस। कितना सहूलियत भरा लगता है सफर? अच्छा लगता है, आसानी होती है सफर करने में। अगर बसों में सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरीके की सुरक्षा है बसों में? महिला सेफ हैं। हाँ। पिंक टिकट पे ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा भी जरूर बचता है, कितना क्या उस पैसे का यूटिलाइज करते हैं, कहाँ कहाँ आपके और एक्स्ट्रा में काम आता है? सेविंग्स होती हैं, प्लस मेट्रो का खर्चा भी बचता है। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार द्वारा जो योजना आप लोगों के लिए निकाली गई है? सही है, आगे भी कंटिन्यू हो, चाहते हैं आगे भी कंटिन्यू हो। आपका क्या नाम है मैम? आप भी पिंक टिकट पे ट्रेवल कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे दिल्ली सरकार द्वारा जो पिंक टिकट की शुरुआत की गई है खासतौर से महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे? यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच इसके लिए, बस यही कहूँगी और क्या। आसानी होती है सफर? बिल्कुल आसानी तो देखिए, पहले हम लोग पास भी बनवाते थे, सेम है, बट हाँ अच्छी बात है ना, मनी सेव हो रही है, तो कहीं ना कहीं पास बनवाने में पैसा जरूर लगता था, लेकिन अब पिंक टिकट पे मुफ्त सफर मिल रहा है, बिल्कुल पैसे की बचत होती है। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के लिए? थैंक यू सो मच। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आशा है और मैं दिल्ली सरकार को थैंक यू कहती हूँ, उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो जिनको 8,000-10,000 सैलरी मिलती है और उनका रोज़ का जो आना जाना होता है 50 रुपये तो उनके लगते हैं, मैक्सिमम वो 50 रुपये पर डे अपने बचा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ भी खाने पीने के लिए कुछ भी 50 रुपये बहुत होती हैं। और जैसे हम पास बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें भी कम समय लगता है, 1,000 तो लगता ही है, तो ये देखो दिल्ली सरकार के लिए थैंक यू जो उन्होंने सभी महिलाओं के लिए ये। बसों में सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को लगता है कि जैसे बस मार्शल्स वगैरह पहले बसों में थे वो दोबारा होने चाहिए? जी मैम, होने चाहिए। हम लेडीज़ अपने आप को सिक्योर फील करती थी और अब मार्शल नहीं है तो उनकी होनी चाहिए, थोड़ा सा परेशान। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम? बीना। पिंक टिकट पे सफर करना कितना अच्छा लग रहा है, कितना आसान लग रहा है और जो पैसा बचता है उससे कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है इससे तो। और अगर मैं पिंक टिकट दिखाने की बात करूँ तो कौन सी टिकट है जो आपके हाथ में है और दिखा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यही वो पिंक टिकट है जो दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की महिलाओं के लिए बसों में सफ़र करने के लिए शुरुआत की गई है और इन्हीं पिंक टिकट्स के सहारे जो है महिलाएं बसों में सफ़र कर रही हैं और साथ ही साथ अपना सफ़र जहां मुफ्त में कर रही हैं वहीं जो पैसा बचता है वो उनके किसी न किसी और काम में ज़रूर यूज़ होता है और जिससे वे बेहद ही खुश हैं और दिल्ली सरकार का धन्यवाद भी कर रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सहूलियत से दिल्ली की महिलाएँ बेहद खुश हैं और चाहती हैं कि ये सहूलियत आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया।